दोस्तों मोगरा का पौधा, जैस्मिन कह लें, वैसे तो साल में करीब ये 9 से 10 महीने फ्लावरिंग करता रहता है, पर जो बारिश का सीज़न होता है वो इसका सबसे फेवरेट जो है सीज़न होता है फ्लावरिंग के हिसाब से। तो आप इस मेरे पौधे पर देख सकते हैं कितनी ढेर सारी कलियां हैं और उसमें फूल भी लगातार बन रहे हैं। तो पौधे में ढेर सारे फूल कैसे बने, क्या कंपोस्ट हमें उसके लिए खास करके बारिश के मौसम में देनी चाहिए जिससे कि पौधा इस तरह से हरा भरा रहे और उसमें कलियों से लदा रहे। खुशबू बहुत ही इसकी अच्छी होती है, पूरे गार्डन को महकाता है। हालांकि इसका जो फूल होता है वो एक दिन के लिए होता है, कलियों से जब फूल बनता है उसके बाद एक दिन में ये फूल ड्रॉप हो जाता है, पर खुशबू इतनी ज़्यादा महका देता है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आप भी अगर गार्डनिंग के शौकीन हैं और मोगरा आपने अभी तक अपने गार्डन में नहीं लगाया है तो ये सबसे बेस्ट सीजन है मोगरा को अपने गार्डन में ऐड करने के लिए। आप चाहें तो नर्सरी से पौधा खरीद के ले आके लगा सकते हैं, या फिर इसकी कोई कटिंग जो एक पेंसिल के बराबर की मोटी कटिंग हो, जैसे मैं आपको दिखाऊं इतनी मोटी कटिंग, आप इसे किसी भी सॉयल में लगा दीजिए और उसको बारिश में मत रखिए, किसी ऐसी जगह पर रखिए जहां बारिश ना पड़े उसमें, तो पौधा बहुत ही जल्दी कटिंग से प्रोपोगेट हो जाएगा। इस प्रकार आपके पास एक मोगरा का पौधा हो जाएगा और उससे आप कई सारे पौधे बना सकते हैं। अब मैं आगे बात करूंगा वीडियो में दोस्तों कि इसको बारिश में कैसे इसकी केयर करनी है जिससे कि पौधा हरा भरा रहे, साथ में बहुत सारे इस कलियां और फूल प्रोड्यूस करता रहे पूरे बारिश मानसून सीजन के दौरान। तो दोस्तों पौधा खरीदने के बाद जो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है इसकी मिट्टी और साथ में गमला। मिट्टी मोगरा को आपको रिच फर्टिलाइजर के साथ देना है क्योंकि हैवी फीडर प्लांट होता है और ढेर सारी इसमें आप फूल आते हैं, ग्रोथ इसकी काफ़ी अच्छी होती है, तो उसके लिए जो फर्टिलाइजर इसमें पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। साथ में जो मिट्टी होती है वो पोरस होनी चाहिए, बारिश का पानी या नॉर्मल पानी जब आप वाटरिंग करते हैं गमले में होल्ड नहीं होना चाहिए। तो आपको मिट्टी ऐसी बनानी है कि वो ड्रेनेज सिस्टम उसका काफ़ी अच्छा हो। 10 से 12 इंच का पॉट बहुत अच्छा होता है मोगरा के लिए। आप इसकी कटिंग प्रूनिंग करते रहोगे तो बूसी पौधा हो जाएगा, बेल नुमा चूंकि बढ़ने वाला पौधा है, पर अगर आप कटिंग करते हो तो पौधा बूसी हो जाएगा और 12 इंच के गमले में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। अब बात कर लेते हैं मिट्टी में क्या क्या मिलाना है। तो मिट्टी में दोस्तों आप देखिए 50% गार्डन सॉयल, 30% कोई भी कंपोस्ट आप मिला सकते हैं, 20% कोकोपीट और थोड़ी मात्रा में उसमें रेत, साथ में बोन मील और नीम खली मिला के आप इस मिट्टी को तैयार कीजिए और उसमें इस पौधे को लगा दीजिए। अब दोस्तों उसके बाद जो बात आती है इसकी प्लेसिंग कहाँ करें, तो आप इसे पूरी तरह से आउटडोर प्लांट है, हार्डी प्लांट है और हैवी फीडर है, इसे आप पूरी तरह से ओपन में रखिए। फुल डे सनलाइट में पौधा अच्छे से ग्रो करेगा और कलियाँ बनेंगी और साथ साथ जो उसकी फूल होगी उसमें खुशबू काफ़ी अच्छी आएगी। सनलाइट और बारिश का पानी जो है इस पौधे के लिए पौधे में जान डाल देता है और ज़्यादा ग्रीन होता है इसकी पत्तियाँ और साथ में कलियों की मात्रा और बढ़ जाती है। तो इसे प्लेस करना है आपको पूरे फुली आउटसाइड आउटडोर में जहाँ पूरे दिन की धूप मिले, बारिश का पानी मिले, इसे आपको बिल्कुल उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी, वो है इसकी प्रूनिंग। देखिए दो तरह से प्रूनिंग होती है, एक सॉफ्ट प्रूनिंग दूसरी हार्ड प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग होती है जो आप मोगरे के पौधे को पूरी तरह से प्रून करते हैं, जो मोटी मोटी ब्रांचेज जो उन्हें प्रून करते हैं, तो हार्ड प्रूनिंग इसकी सिर्फ एक सीजन में आपको करनी चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगा कब। पहले मैं आपको सॉफ्ट प्रूनिंग के बारे में बता देता हूँ। देखिए सॉफ्ट प्रूनिंग मोगरा को हर बार जब ये फ्लावरिंग करता है उसके बाद इसको सॉफ्ट प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। अगर आप सॉफ्ट प्रूनिंग इसकी करेंगे तो जो ब्रांचेज हैं वो बढ़ेंगी, साथ में कलियाँ भी बढ़ के आएंगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो कली खिल रही है हमारी, ये खिली हुई कली है, जब ये कली गिर जाती है सारी कलियाँ जो इसमें बनी हुई हैं ये फूल बन के गिर जाएंगी, तो हमें जितनी भी कलियाँ हैं वहाँ से इसे कट करना है। जैसे देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये पहले बनी हुई थी कली, हमने यहाँ से कट कर दिया, ये देखिए ये यहाँ से कट किया, तो उसमें नई जो ब्रांच निकलती है उसमें तुरंत कलियाँ निकल के आती हैं। कोई भी ब्रांच मैं आपको दिखा दूँ, तो जैसे एक बार फूल बन के गिरता है आपको तुरंत उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है टिप की, वहाँ से नई ब्रांचेज बनेंगी और नई ब्रांच जैसे ही बनती है उसमें तुरंत फूल बनते हैं। आप देखिए सभी ब्रांचेज में देख सकते हैं। तो सॉफ्ट प्रूनिंग हर बार जब एक बार पौधा फूल कलियां बनाता है, फूल बनते हैं, वो गिर जाते हैं, उसके बाद आपको तुरंत पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। सॉफ्ट प्रूनिंग का मतलब होता है कि ये टिप जो कली बनी हुई है, फूल खिलेगा गिरेगा, आपको यहीं से इसे प्रून कर देना है। यहाँ से नई दो ब्रांचेस निकलेंगी, वो तुरंत अगले 10 से 15 दिन के अंदर वो कलियों से भर जाएंगी। अब दूसरी चीज़ जो मैंने आपको हार्ड प्रूनिंग के बारे में बताया, हार्ड प्रूनिंग जब सर्दियों में पौधा आप डॉर्मेंसी में जाता है उसके बाद जब वापस से अपनी ग्रोइंग स्टेज में आता है फरवरी के मौसम में, तो आप उस समय हार्ड प्रूनिंग कर सकते हो ताकि पौधा नई शेप ले और नए नए ब्रांचेस नीचे से प्रोड्यूस करे, तो उसमें हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग नीचे नीचे जो मोटी ब्रांचेज होती है ना, आपको यहाँ से हार्ड प्रूनिंग करनी होती है। तो ये दो तरीके होते हैं प्रूनिंग के। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वाटरिंग की।
तो दोस्तों ये मानसून सीजन चल रहा है और बारिश हर जगह रुक रुक के हो रही है। अगर आपके यहाँ हर दो दिन में एक बार बारिश हो जा रही है तो आपको वाटरिंग की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, आप अलग से वाटरिंग ना करें पौधे में। अगर आपके यहाँ बारिश कम हो रही है, धूप ज़्यादा है, तो आप पौधे की मिट्टी को चेक कर लें, उसके बाद ही इसमें वाटरिंग करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट इस पौधे को होती नहीं है। तो आपको करना क्या है, मैं मानसून सीजन के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मोगरे में दो दिन में एक बार अच्छे से मिट्टी को देखना है, कम से कम 1.5 से 2 इंच इसकी मिट्टी ऊपर से ड्राई होती है तभी आपको वाटरिंग करनी है, क्योंकि ज़्यादा वाटरिंग इस पौधे को पसंद नहीं है। हैवी प्लांट है, हार्डी प्लांट है, तो कम वाटर में अच्छे से ग्रो करता है। और अगर ज़्यादा वाटर करोगे आप तो ओवर वाटरिंग की वजह से पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो पीली होने लग जाती हैं और जो कलियाँ हैं वो मैच्योर होने से पहले ही गिरने लग जाती हैं। तो इस चीज़ों से आपको बचाना है। और हाँ, अंडर वाटरिंग भी नहीं करनी है, ऐसा ना हो कि आप 2 से 3 दिन तक पौधे को पानी ही नहीं दे रहे हो तो फिर पानी की कमी की वजह से भी पत्तियां पीली पड़ने लगे। तो आपको ड्राई मिट्टी चेक कर लेनी है, कम से कम 1.5 से 2 इंच ड्राई हो तभी आपको वाटरिंग करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें कंपोस्टिंग की, क्या कंपोस्ट हमें करनी चाहिए। फिलहाल जो बारिश का मौसम चल रहा है इसमें मैं आपको दिखाऊं, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है सरसों की खली का पाउडर। आपके पास अगर सरसों खली पाउडर नहीं है तो आप सरसों खली को पानी में भिगा के यूज कर सकते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये लिक्विड, ये मैं आपको पहले ये सरसों खली देने के बाद बताता हूँ ये क्या है। फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए और पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये दोनों ही कंपोस्ट मैं मानसून सीजन में अपने पौधों में देता हूँ और आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। सबसे पहले वही काम जो कोई भी कंपोस्ट हम देते हैं उससे पहले ज़रूरी चीज़ होती है मिट्टी की गुड़ाई, मिट्टी को ढीला करना जिससे कि रूट्स में एरेशन हो सके और जो कंपोस्ट हम दे रहे हैं वो रूट्स को प्रॉपर तरीके से मिल सके। तो हम मिट्टी को पहले ढीला कर लेंगे, गुड़ाई कर लेंगे इसकी। और गुड़ाई करने के बाद ये जो हमारी सरसों की खली है इसको हम एक बड़ा चम्मच, अगर छोटा चम्मच है तो 2 चम्मच हमें इसे अपने 12 इंच के पॉट में दे देना। दोस्तों सरसों की खली में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, साथ में जैविक कार्बन, ये सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो पौधों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं। साथ में इसमें तेल की मात्रा भी होती है जो कि जो एंटी फंगल होता है, जो कीटाणु होते हैं रूट्स को बचाते हैं उनके उसके रूप में भी प्रयोग में आता है। तो सरसों की खली के बहुत सारे फायदे हैं पौधों में, ओवरऑल ग्रोथ के लिए आप एनपीके के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। साथ में जो दूसरी चीज़ मैंने आपको दिखाई है यह है चाय की पत्ती, जो कि हमने पानी में फ्रेश चाय की पत्ती पानी में भिगा के रख छोड़ दिया है 24 घंटे बाद, इसे यूज करना है। आप यूज चाय की पत्ती भी यूज कर सकते हैं, उसे डायरेक्ट आप इसमें गमले में डाल सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है और साथ में ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को होल्ड किए हुए होता है तो पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। आपको मैंने सरसों की खली का जो लिक्विड कंपोस्ट है उससे अभी बचना चाहिए, अगर आपके पास इस तरह पाउडर नहीं है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। चूंकि बारिश में लिक्विड कंपोस्ट हमें बहुत कम देना चाहिए, जो भी दें ड्राई कंपोस्ट के रूप में दें, तो उससे क्या होता है कि जो बारिश का पानी होता है उसके साथ ही हमारा कंपोस्ट ड्रेनेज होल के रास्ते बह के निकलता नहीं है। लिक्विड कंपोस्ट देते हैं तो वो बह के ड्रेनेज होल के साथ निकल जाता है। तो इस प्रकार से देखिए ये 2 चीज़ मैं देता हूँ पूरे मानसून सीजन अपने पौधों में, और मोगरे के पौधे में आप इसकी रिजल्ट देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है। ये 2 चीज़ों देने के बाद आपको इसमें, वैसे तो मोगरे के पौधे में पेस्ट का अटैक बहुत कम ना के बराबर देखने को मिलता है, अगर आपको कहीं देखने को मिल रहा है पत्तियाँ इसकी कोई कीड़ा खा रहा है या कोई कीड़े मकोड़े इस पर दिख रहे हैं आपको, तो नीम ऑयल का स्प्रे आप महीने में एक बार कर सकते हैं तो आपके मोगरे के पौधे पर किसी भी प्रकार का कोई पेस्ट अटैक नहीं होगा। तो इस प्रकार से अगर दोस्तों केयर करते हैं तो आपके मोगरे के पौधे में भी इस प्रकार से कलियां और फूल बनेंगे और पूरा गार्डन महकता रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, कोई भी जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।